आपसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, गिव अस बिट ऑफ हिस्ट्री एंड द व्यूअर्स वॉचिंग. आई ट्राई जो हमारे स्टार्स हैं, नॉर्मली क्या होता है कमल कि हमारे आप अगर सोशल मीडिया देखें नेगेटिविटी ऑल द टाइम, नेगेटिविटी. कोई लड़ाई हो रही है, सियासतदान लड़ रहे हैं, फौज का ये हो गया, फलाना ये हो गया, मर गए 100 बंदे मर गए वगैरह वगैरह. वी ट्राई टू शो द ऑपोजिट कि अच्छी चीजें भी हो रही हैं, हमारे पास सुपर स्टार्स हैं, हमारे हीरोज हैं जो बार दफा हाईलाइट नहीं हो पाते और उनको हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं. So I believe you are the one of the superstars. So thank you very much for being here. Tell us about little bit about your life story. How the journey started and did you ever think when you were young? जिस तरह हमारी लड़कियां होती हैं वो बचपन में, मेरा नहीं ख्याल कि शादी के अलावा कि किससे शादी करनी है और किस किस्म का घर होना चाहिए उससे ज्यादा कभी सोच पाती है. लेकिन आप एक direction आपने लिया, इतने बड़े level पे success भी आपको मिली. तो tell us how was it for you? And were you motivated when you were a young child as well? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you so much for inviting me on your show. I would say ke my journey has been, I think, a little bit different from the typical journey. And that is because my father was very pro. Wo waise to khud ek gaon se aaye the. My grandfather was a farmer in a village. And he got his own son and his own children. Education mein bahut zyada believe karte the. So he got his own son educated and my father became a doctor and then married another doctor. And so my father was always of the opinion ki he was, for him, education was very important. And I was the eldest. And somehow unko lagta tha main koi superwoman hu. He had a lot of belief in me. And I think that belief kind of transferred to me as well, because he'd keep telling me, you know, how special I was and how I'd be doing something amazing in the world and how I'd be giving back. So wo jo cheez thi, that was kind of ingrained, and I heard a lot of that from my father. So it got ingrained inside me and I felt like I had to do something, that I couldn't waste my time. Aur uska natija ye hua ki main zyada soti bhi hu to mujhe lagta hai ki mera time waste ho raha hai, mujhe kuch karna hai. To wo उस तरह फिर चलता रहा. आपने बात की कि हमारे औरतें जो है वो टिपिकली इस तरह नहीं सोचती हैं, वो सोचती हैं कि उनकी बड़े होकर शादी होनी है. मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें जिस तरह से औरतें बड़ी होती हैं या जो चीज़ें उनको दिखाई जाती हैं, हमारे जो ड्रामाज हैं, इवन जो कार्टून्स हैं, अगर आप बहुत मशहूर कार्टून्स की बात करते हैं, सिंडरेला, स्नो वाइट, द लिटिल मरमेड, उसमें क्या है, बस वो खूबसूरत है. और वो स्नो वाइट तो बेचारी मरी हुई लाश होती है, उसको आके कोई हैंडसम प्रिंस उसको किस कर देता है तो वो मरी हुई लाश जो है वो दोबारा जिंदा हो जाती है. तो इसी तरह जो सिंड्रेला है वो कहीं नौकरानी बनी हुई है कहीं पे, और वो लाइक यू नो द प्रिंस सेव्स हर फ्रॉम दैट मंडेन लाइफ एंड शी बिकम्स अ प्रिंसेस. तो वो बचपन से जो है वो डॉक्ट्रिनेशन होती है बच्चियों के दिमाग में के अंदर कि सम नाइट एंड शाइनिंग आर्मर इज गोइंग टू कम ऑन अ हॉर्स एंड सेव यू एंड यू नो एंड जो अपनी उनकी इंडिविजुअलिटी है या जो अपने अंदर उनके जो एजेंसी है, सेल्फ एजेंसी जिसको कहते हैं, उसको नर्चर ही नहीं किया जाता. उनको बताया ही नहीं जाता कि वो भी कोई चीज है, वो भी इंडिविजुअल्स हैं. दे हैव एन आइडेंटिटी आउटसाइड ऑफ अ मैन, दे हैव एन आइडेंटिटी आउटसाइड ऑफ यू नो द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस. विद इन देमसेल्व्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी ब्रेव एंड दे आर वेरी करेजियस एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे कैन एक्चुअली गो एंड डू समथिंग इन द वर्ल्ड. ये उनको बताया नहीं जाता. तो मेरे अब्बू ने ये चीज मेरे अंदर बचपन से बहुत ज्यादा इनग्रेन की कि आई एम समवन. इवन दो ऑल द एक्सटर्नल स्टिमुलाई वर इन द अदर डायरेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्टून और फिल्में और बाकी सारी चीजें और जो पढ़ाया जाता था या जो एक्सपेक्टेशंस बाहर से होती थी वो डिफरेंट थी, मगर मेरे अब्बू ने ये इनग्रेन किया एंड देन इट रियली बिकेम अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी.